हे भैया चलिए हो यार चांद पर। तो धीरे धीरे जो है ये चपुआ लाइक के दादा चांप रहे हैं, हमको वो स्पार ले जाएंगे। कंट्रोल भैया कैसे बदनाम हो गए आप। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डलमऊ गंगा घाट गंगा स्नान करने के लिए सुबह सुबह। आप लोग चलेंगे हमारे साथ, आइए आपको ले चलते हैं। आइए आइए डलमऊ सीधा। हमारे घर से डलमऊ की दूरी है 45 किलोमीटर और हम गाड़ी लेके निकल पड़े हैं धीरे धीरे गंगा घाट। सीधा 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 सीधा। हाँ हम लोग आए हैं सलवन से। सलवन से जाना था। सलवन जाने का है, रायबली जिले में तो है। तो ये बताओ कि कैसे नहाए सिस्टम है, व्यापार ना हो यहाँ। चलो यार तू नहावा क्या बड़ी थी पहले था, चला यार व्यापार ना हो चाहे व्यापार जहाँ उतरा यार। 900 रुपया ले आओ चाहे स्टीमर से घूमो, हमारा नाव नहीं दूसरे में। कितने रुपये टिकट, कितने रुपये होगी फिर? 30 रुपये सवारी ले। हाँ कहाँ 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 वहीं देखा जाए हो। चलो अच्छा देखिए, डलमऊ का गंगा घाट जो है रायबली में काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दूर से यहाँ पे लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। आज हम भी आ गए हैं, लेकिन लोग जो है सुबह 7-8 बजे आते हैं, लेकिन हम जो है 10 बजे आए गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ पे आप जो भी जगह देख रहे हैं मेरे आगे पीछे चारों तरफ, यहाँ पे जो है इतनी भीड़ रहती पुन्नवासी के दिन कि क्या बताएं आपसे। लेकिन आज जो है कोई पुन्नवासी वगैरह नहीं, फिर भी जो है भीड़ भाड़ यहाँ पर है। लोग जो है गंगा स्नान करने के लिए आए हुए, कोई नई गाड़ी खरीदा तो उसको जो है स्नान करने के लिए लेके आया है, जैसे हमारे जैसे लोग चले आते हैं। हे भैया चलिए हो यार चांद पर। तो अभी जो है चेक करने जा रहे हैं कि ये मोटो का फोन कितना वाटरप्रूफ है। हाँ डाल देंगे। बेकार होगा, बंद तो नहीं हुआ, चल रहा है पानी का अंदर नहीं का, कैमरा नहीं ऑन हुआ रहा यार। फिर से डालो देखो नहीं माइक वाइक ले। एक लोग का 20 रुपया, 40 रुपया दो लोग का, 40 लोग दो लोग का बैठी। नहा कहाँ पर है नहा का? हाँ वही नहा लेंगे। ठीक ठीक भैया नाव ले लेना है। नाव से जो है हम लोग जा रहे हैं उस पार भैया का गंगा स्नान करेंगे, यहाँ नहीं नहाएंगे। तो धीरे धीरे जो है ये चपुआ लाइक के दादा चांप रहे हैं, हमको वो उस पार ले जाएंगे। आप लोग चलेंगे तो देखते रहिएगा ना थोड़ा सा। मात्र 20 रुपए में हम लोगों को उस पार ले जाके नहलाने के लिए। और आपका नाम है मिर्ची बाबा जी। हमारा कोई भी साथी इस वीडियो के माध्यम से आता है जी, तो आप उसे लगभग इसी साल में जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब तक 20 रुपए में ही घुमाएंगे जी जी। उधर जा भैया, अब नुकसान है। डलमऊ में कितने मंदिर हैं बाबा? यहाँ छोटे बड़े तो 400 मंदिर हैं, लेकिन प्रसिद्ध 8-10 मंदिर। 8-10 मंदिर हैं। ये आप माता जी वाले मंदिर के बारे में अभी कुछ बता रहे थे, इसके सामने पड़े हैं। ये जमीन से पटवारी देवी से निकली हुई है, जमीन से निकली, मतलब ये सिद्ध मंदिरों में से। हाँ सिद्ध मंदिर पीठ है ना जो पीठ है। नवरात्रि में यहाँ पे भीड़ बहुत लगती है। और ये वाला जो मंदिर आप बता रहे थे भगवा कलर का, ये भगवा कलर वाला, इसकी क्या खासियत है? ये संकट मोचन मंदिर है, ये 3 खंडन में बना है। एक ही मंदिर में 3 मंदिर है। अच्छा, एक ही मंदिर में 3 मंदिर। हनुमान जी है भी, राधा कृष्ण भी, चारों धाम है। बद्रीनाथ केदारनाथ है, द्वारिकापुरी है, रामेश्वरम है, और उड़ीसा का जो है पुरी जगन्नाथपुरी। बगल में किला है, राजा किला है। वहाँ की क्या कहानी है? वहाँ की राजा की ये होली जो यहाँ डलमऊ की, 3 दिन बाद यही राजा के शोक में मनाई जाती है। राजा के शोक में मनाई जाती है। राजा को क्या हुआ था? राजा की उसी दिन होली जो दिन जली रहा है उस दिन खत्म हो गया, खत्म मार डाले, मार डाले गिरा, मतलब आक्रमण हुआ था उस दिन। हमें लग रहा है मुस्लिम समुदाय द्वारा, मुस्लिम समुदाय राजा सर की बादशाह जौनपुर वाले, उन्होंने चढ़ाई किया, इसलिए जो 3 दिन बाद मनाई जाती है होली। हाँ आज भी शोक जो है
आज नहीं, 1400 साल पहले मरे हैं, आज नहीं मरे, अभी बात। तो आप सब डलमऊ वासी अपने राजा के प्रति बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हैं, बहुत ज्यादा प्रेम जताते हैं उनको, इसलिए हर साल उनकी याद में होली तीन रात बीते के बाद जो अच्छा दिन हुई है, हाँ उसी दिन, उसी दिन मतलब बाई चांस चार भी हो जाता होगा, हाँ, चार भी हो जाता, मतलब जैसे तिथि निकले बढ़िया, जिस दिन बढ़िया दिन, तीन रात बीतने के बाद जो अच्छा दिन आई, चौथा नहीं आ रहा तो पांचवा, पांचवा सही। हाँ, ये संकट मोचन है, यहाँ पे अखंड रामायण चल रही है जो एक महीने के लिए 24 तारीख से चली है और पूर्णिमा के दिन फिर खत्म होगी। इसमें एक रामायण खत्म होती, 5 मिनट बाद आरती के बाद दूसरी रामायण चालू होती। कितनी रामायण को टोटल होती है? लगातार कंटिन्यू आपका ये रामायण चलती रहेगी, रात भर दिन भर, रात भर दिन भर, एक महीने लगातार दिन ये रामायण एक खत्म होती। अब 15वीं रामायण आज खत्म होगी, 16वीं चालू होगी शाम को। अच्छा, गंगा स्नान करने के बाद, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हैं चना चबाने के लिए। आप लोग को चबाना हो तो आइए। तो अभी जो है हम लोग डलमऊ घाट से करीब 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, पहुंचने वाले गुरुवारा, लेकिन अचानक घर से फोन आ गया कि गंगा जल लेते आना, एक समस्या खड़ी हो गई भैया। अब जो है वापिस से हम लोग जो है जा रहे हैं कहाँ, गंगा घाट के लिए जल लाने। हाँ भाई, तो चलेंगे आप लोग फिर से, आइए फिर एक बार आपको घुमा लाते हैं, चलिए घूमते रहिए। दादा आगे रास्ता बंद है का? खुला है लेकिन लिखा आगे रास्ता बंद है, लिखा लेकिन बंद, खुला है रास्ता, वही जानकारी ले रहा। चलो ठीक, हमने देखा ही बदनाम चाय यहाँ पे बिक रही है, हमारे भैया के पास चाय पीने, बदनाम वाली चाय। भैया कैसे बदनाम हो गए आप? मैं नहीं बदनाम हूँ, मेरी चाय बदनाम है। चाय बदनाम है, लो पियो यार, बदनाम चाय पियो।